हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 95 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप भी अपना गन्ना का नया सट्टा ऑनलाइन करते हैं, जैसे ही दोस्तों गन्ना सट्टा में दोस्तों नया सट्टा ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको आधार कार्ड, फ़ोटो, खतौनी और यहाँ पर दोस्तों एक आपको जो एक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जो अपलोड करना पड़ता है, उसमें दोस्तों आपका एक घोषणा पत्र भी होता है। तो उस घोषणा पत्र के बारे में दोस्तों बताने वाला हूँ कि आपको घोषणा पत्र कहाँ से डाउनलोड करना होगा और दोस्तों घोषणा पत्र किस तरह से भरना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों इस नई नई जानकारी और नई नई वीडियो आपको तुरंत तक पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी चीनी उद्योग यानी गन्ना विभाग की जो वेबसाइट है canup.nic.in पर आ जाना है और दोस्तों आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च वाले बटन पर यानी व्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, इस वाले व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ये वाला कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है और फिल करने के बाद दोस्तों आपको इस व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। व्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नया सट्टा ऑनलाइन यानी गन्ना समिति में नए सदस्य के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, वो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो एक्शन वाला जो फॉर्म है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्शन वाले फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू मेंबरशिप और एक यहाँ पर मिलेगा फाइल कंप्लेंट। अगर आपको कोई कंप्लेंट डालना है तो आपको सेकंड वाला उसमें चूज करना होगा। अगर आपको नया सट्टा यानी नया मेंबर समिति में जो गन्ना समिति है उसमें दोस्तों नया सदस्य बनना है, अगर नया सट्टा ऑनलाइन करना है तो आपको न्यू मेंबरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो दोस्तों इस तरह से खुलकर आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर खुलकर जाता है, यहाँ पर दोस्तों मिलता है आपको नई समिति सदस्यता वर्ष 2021-22। अगर आपको नया सट्टा ऑनलाइन करना है दोस्तों तो आपको इस वाले ऑप्शन पर यानी इस वाले पेज पर आ जाना है। तो दोस्तों आप इस वाले पेज पर आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी डिटेल है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। आपको ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट यानी दोस्तों स्वयं प्रमाणित डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होते हैं। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्या क्या अपलोड करना पड़ता है, यहाँ पर अपने किसान की फ़ोटो, यहाँ पर उसके बैंक खाता यानी पासबुक, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी खतौनी, उसके किसान की जो खतौनी होती है वो दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड करनी होती है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो फ़ोटो पहचान पत्र में दोस्तों आपको आधार कार्ड या फिर दोस्तों आपको वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर आना होता है। उसके बाद आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है घोषणा पत्र, यानी दोस्तों जैसा ही दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है घोषणा पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, वो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा और दोस्तों किस प्रकार से इस फॉर्म को फिल करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो दोस्तों बहुत सारी वीडियोज़ में और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको बताया गया है अलग अलग तरीके से, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वाली वीडियो है दोस्तों यहाँ पर आपको जेन्युइन तरीके से बताने वाला हूँ कि आपको घोषणा पत्र आपको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों इसमें घोषणा पत्र जो है वो दोस्तों आपको यहाँ पर या तो आपको अपने जो गन्ना सुपरवाइज़र होता है आपके गांव का, उसमें दोस्तों उसके पास आपको मिलेगा, या फिर आपको अपनी गन्ना समिति में जाकर इसे लेकर आ जाना है। तो जैसा ही दोस्तों मैं यहाँ से मेरे पास जो है, मैंने अपने सुपरवाइज़र से दोस्तों अपने जो गन्ना समिति उससे संपर्क करके अपना जो दोस्तों घोषणा पत्र है वो दोस्तों यहाँ से ले चुका हूँ। तो मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि वो किस प्रकार से आपको ऑनलाइन दोस्तों यहाँ पर अपलोड करना है और दोस्तों किस प्रकार से उसे फिल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो घोषणा पत्र है उसका जो प्रारूप है वो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो गन्ना क्षेत्र के संबंध में घोषणा पत्र होता है वो दोस्तों इस तरह से होता है। मैंने दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा गन्ना क्षेत्र के संबंध में घोषणा पत्र, इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों आपको इसे फिल किस प्रकार से करना है और दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर किस प्रकार से अपलोड करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, जो भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं सट्टा, उसमें जो भी अकाउंट नंबर डाल रहे हैं वो अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आपको बैंक शाखा का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको दोस्तों किसान का नाम, यहाँ पर उसके
पुत्र, दोस्तों उसके पिता का नाम या फिर उसकी पत्नी का नाम। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों उसका निवासी कहाँ का जो ग्राम है उसका यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद उसका मजरा यहाँ पर डाल देना है। ब्लॉक आपको इस वाले कॉलम में डाल देना है और उसका डाकघर कहाँ लगता है वो डाल देना है। थाना यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों उसकी तहसील यहाँ डाल देना है और जनपद आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इस तरह से दोस्तों आपको सारी डिटेल उस ऊपर वाले कॉलम में आपको इस तरह से फिल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2012-13 यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 21-22 कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपको सीरियल नंबर में 1 डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दोस्तों उसके मंजरे का नाम, अगर मंजरा नहीं लगता दोस्तों आपको भी खाली छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों उसकी खतौनी संख्या यहाँ पर आपको फिल कर देनी है इस वाले बॉक्स में। और उसका जो खसरा नंबर है वो दोस्तों आपको इस 5वां नंबर नंबर वाले ऑप्शन में फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर के अंकित नाम, अगर दोस्तों जो राजस्व खतौनी है उसके अनुसार जो नाम है व्यक्ति का वो दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। और दोस्तों खसरा नंबर में कुल अंकित क्षेत्रफल, जितना भी खसरा नंबर यानी खतौनी में जितना भी रकबा दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा रकबा फिल कर देना है। और गन्ने का क्षेत्र, जितने एरिया में गन्ना बोया वो दोस्तों 8 नंबर में फिल कर देना है। गन्ने की प्रजाति आपको इसमें 0-38, 0-18 वो दोस्तों आपको इसमें जो भी हो फिल कर देनी है। पेड़ी है, पौधा है और बुवाई की तिथि वो दोस्तों आपको इस वाले पेड़ी पौधा इसमें फिल कर देना है, बुवाई की तिथि आपको इसमें डाल देना है। फसल की दशा दोस्तों सही है या फिर दोस्तों ख़राब हो चुकी है या फिर रोगग्रस्त है वो आपको इसमें डाल देना है। और ये वाला जो कॉलम है इसमें अगर आप फिल करना चाहें तो इसे फिल कर सकते हैं अथवा इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है और आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सारी डिटेल मैं प्रमाणित करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों उसका नाम डाल देना है, गन्ने की खेती का वर्ष डाल देना है, गत वर्ष दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एक गवाह का नाम, उसके एक गवाह का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। और घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर आपको इस वाले बॉक्स में फिल करा लेने हैं। यहाँ पर घोषणाकर्ता के जो हस्ताक्षर वो फिल कराने के बाद दोस्तों आपको नीचे वाला बॉक्स यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो है ये घोषणा पत्र है वो दोस्तों स्कैन कर लेना है। और स्कैन करने के बाद दोस्तों आप चले आना है आपको अपनी वेबसाइट पर गन्ना, जैसे ही आप गन्ना विभाग की वेबसाइट पर आएंगे तो वो दोस्तों जो आपने अभी जो घोषणा पत्र है वो फिल किया था वो दोस्तों आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड चूजन फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मैंने इस तरह से आपको यहाँ पर घोषणा पत्र ऑनलाइन फिर करके और दोस्तों किस तरह से ऑनलाइन गन्ना सट्टा में अपलोड करना है वो दोस्तों सारी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको इस घोषणा पत्र को डाउनलोड करना है तो दोस्तों मैं इसका जो लिंक है वो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। वहाँ से दोस्तों आप जाकर इस दोस्तों गन्ना सट्टा को, गन्ना सट्टा के जो घोषणा पत्र है वो दोस्तों आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसका जो लिंक है वो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दोस्तों यही थी आज की जो जानकारी। दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये जानकारी दोस्तों पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की नई नई जानकारी आपको यहाँ पर लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।